तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको Redmi के डिवाइस में होम स्क्रीन जो आपको यहां पे शो होता है, इस होम स्क्रीन में 6 से 7 ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग हैं जो आपको यहां पे मालूम नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं ये कौन कौन से सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, जो भी आपको आइकॉन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, ये आइकॉन आपको यहाँ पर सही तरीके से सेटअप किया हुआ नजर नहीं आएगा, लाइनअप नहीं किया हुआ नजर आएगा। अगर इसको आपको लाइनअप करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको इस प्रकार से टैप करके रखना है, और टैप करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा और नीचे में लिखा आएगा कि सेक करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको सेक करना, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे दोस्तों आप यहां पे सेक कीजिएगा, सेक करने में जो भी आइकॉन है वो आपको सही तरीके से यह सेटअप हो जाएगा। पहला सेटिंग यह देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। तो जो भी आपको यहां पर फोल्डर देखने को मिल रहा है, इस फोल्डर पर जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद आप यहां पर देखिए आपको रिकमेंडेड में काफी सारे एप्लीकेशन देखने मिलेंगे। टैप करने बाद इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ऐड देखने मिलता है। अगर आपको इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो ऊपर में टूल लिखा हुआ है या जो भी रीनेम लिखा हुआ है उस पे दोस्तों आपको टैप करके रखना है। टैप करने बाद टुडे रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्या करना है, इसको आपको यहां से ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हैं कोई भी आपको यहां पे ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फीचर आपको देखने मिल जाता है। चलिए बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। अगर आप यहां पे देखें, जो भी फोल्डर आपको यहां पे देखने मिल रहा है, एक नया फोल्डर आपको बनाना है, तो उस नए फोल्डर को बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से आपको टैप करके रखना है, और टैप करने के बाद आप यहां पे देखिएगा जो भी आपको आइकॉन देखने मिल रहा है उसको फोल्डर में डालना है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों सेट कर लेना है। देखिए मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने बाद आपको यहां पर फोल्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर में जाना है, और फोल्डर में जाने के बाद देख सकते हैं ये जितने भी आइकॉन है आपको यहां पर फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में। अभी आप यहां पे देख सकते हैं काफी सारे मैंने फोल्डर यहां पे बना के रख लिया है। अगर आप यहां पे कोई भी फोल्डर पे टैप करते हैं तो टैप करने के बाद आपको एडिट फोल्डर वाला ऑप्शन यहां पे देखने मिलेगा, और इस एडिट फोल्डर पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर के, इनलार्ज के, और XXL का ऑप्शन देखने मिलेगा। इनलार्ज पे क्लिक कीजिएगा तो जो फोल्डर है आपको बिग साइज में देखने मिलेगा, इस प्रकार का फोल्डर आपको यहां पर शो हो जाएगा। और अगर यहां पर चेंज करना चाहते तो आप यहां पर एक्स्ट्रा लार्ज भी यहां पर कर सकते हैं। तो जैसे सेटअप कीजिएगा तो ये एक्स्ट्रा लार्ज में ये देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी फोल्डर देखने मिल रहा है उसको आप यहां पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो अगर आप यहां पे देखें, जो भी मैं यहां पे आइकॉन यूज कर रहा हूं, उस आइकॉन में आपको कोई भी नेम शो नहीं हो रहा होगा। ये आप देखिएगा कहीं पे भी नेम शो नहीं होता है, सिर्फ यहां पे आइकॉन देखने को मिलता है। तो इस फीचर को अगर आपको यूज करना है तो सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा, डोंट शो टेक्स्ट वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका यहां पे बंद किया रहेगा तो आपको यहां पे नेम देखने मिलेगा, और जैसे इसको आप यहां पे इनेबल कर देते हैं, और इनेबल करने बाद आप यहां पे देख सकते हैं जितने भी आइकॉन है, जितने भी एप्लीकेशन है, उसमें कोई भी नेम शो नहीं होंगे। ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको अपने डिवाइस में स्टेप ट्रैकर को यूज करना है, अगर आप डेली वॉक करते हैं, डेली स्टेप चलते हैं, उसको अगर सेटअप करना है तो डायरेक्ट आप यहां पर होम स्क्रीन में उसको सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने बाद आपको विजेट वाला ऑप्शन मिलेगा, विजेट पे चले जाना है, और विजेट वाले ऑप्शन में जाने में नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऐप बोल्ट का, ये ऑप्शन जो देखने मिला इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने बाद आपको ये स्टेप ट्रैकर यहाँ पे देखने मिलेगा। जो भी आप स्टेप चलिएगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में सेटअप करना है, इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज गोंज वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेट करना है। डेली आप यहाँ पे कितना चल सकते हैं वो अपने हिसाब से सेटअप कर ले, और उसके बाद जो भी कैलोरी आप यहाँ पे बर्न कीजिएगा, जितने भी डिस्टेंस चलिएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुराना से पुराना अगर आपको यहाँ पे देखना है तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे एक बार देखने मिलेगा, और इस बार पे क्लिक करके आप रिसेंट जितने भी हिस्ट्री ओपन करते हैं वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो जो भी आपने बैक में यूज किया है वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। ये फीचर दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो इनेबल करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है, देन आपको मोर वाले ऑप्शन में जाना है, और मोर वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप यहां पे देखें तो एक ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलेगा, और वो ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद जेस्चर कंफर्मेशन वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको यहां से इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने बाद ये जेस्चर आपको यहां पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये फीचर आपको यहां पे मिल जाते हैं। इस फीचर को अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं।